और दूसरे हमारे चीटोसन है, वेट लॉस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर कोई भी पतला होना चाहता है या वेट लूज करना चाहता है, अगेन चीटोसन मैं डायबिटिक पेशेंट को भी देती हूँ, क्योंकि डायबिटिक वाले का और हार्ट वाले का मतलब लीवर भी क्लीन होना चाहिए, फ्लश आउट होना चाहिए। तो लीवर का भी ख्याल रखना, जो भी अपने लीवर से प्यार करते हैं उनको कॉर्डिसेप्स, उनको चीटोसन जरूर लेना चाहिए। जो अपने लंग से प्यार करते हैं, तो दोनों चीजें जरूरी है जीने के लिए, सांस लेने के लिए, डॉक्टर जिंदा रहने के साहब, लिए। यस सर, मैंने ये देखा है जो ये चीज अपना कॉर्डिसेप्स है, इसका जो स्किन के लिए बड़ा जबरदस्त है, ये स्किन के लिए, आप थोड़ा सा उस यूथ पे गौर यूथ फरमाएं। यूथ हाँ, वही यंग बनाने के लिए, वही मैं बोल रही हूँ ना। अगर जी आपकी सेक्स लाइफ ठीक है, आपका स्ट्रेस दूर, ये स्ट्रेस को भी बूस्ट करता है, स्ट्रेस को भी खत्म करता है, ठीक है? तो स्ट्रेस को खत्म करता है, स्ट्रेस नहीं है तो ऑल ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, ठीक ओके, है? आप बिल्कुल। यंग तो दिखोगे। जैसे एंटी एजिंग भी हो गया इस तरीके से, मतलब हर चीज एंटी एंटी एजिंग हो गई, अपने आप ही हो गई, रिवर्स प्रोसेस, हर चीज सर रिवर्स हो गया। जब आपने बता एज दिया कि अगर एक बीमारी ऐसी है, अगर वो बीमारी किसी को है तो बाकी बीमारी अपने आप आ जाएंगी, यस बुढ़ापे सर, की, यस बुढ़ापे में सर, सब आता है ना, स्किन की भी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आती है, यस लेकिन सर, एक इलाज कर लिया अपने बुढ़ापे का, तो समझ लो उसके साथ जितनी भी बीमारी आनी थी वो सब अपने आप ही रुक जाएंगी। सर मैं एज ए डॉक्टर एक और फिर से मैं सेक्स पे आना चाहूंगी, सेक्स पे बात करना चाहूंगी। जी सेक्स के बाद आप देख लो कि आपका मूड भी एकदम चेंज हो जाता है, स्किन भी आपकी ग्लो करने लगती है, ठीक है? तो इतने हार्मोन्स, इतने चेंजेस आ जाती है हार्मोन्स में ना, ऑटोमेटिकली यू विल फील फीलिंग फ्रेश, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, स्किन ग्लो करने लग जाती है, टायर्डनेस खत्म हो जाती है, मूड चेंज हो जाता है। तो जी जी वो आजकल 30-35 में खत्म हो रहा है स्ट्रेस की वजह से। तो इसलिए वंडरफुल। मैं बोलती हूँ कॉर्डिसिप्स मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए जरूरी है। अगर आप अपनी स्किन पे ग्लो लाना चाहते हो, अगर आप यंग दिखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन पे रिंकल्स ना आए, जोड़ों में दर्द ना हो, हमेशा फ्रेश फील करो, सांस ना फूले, जो ब्रेथलेसनेस होती है ना, तो काम करते हुए या सीढ़ियां चढ़ते हुए तो ब्रेथलेसनेस ना हो, तो उसके लिए भी कॉर्डिसेप्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो मैंने तो और एक ही बात मिटा दी ना कि सेक्स लाइफ अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो बहुत हॉर्मोन जो है आपके चेंज होंगे, जिसकी वजह से काफी बीमारियां आपको नहीं आएंगी। तो जी, इसलिए मेल हो या फीमेल हो, दोनों को लेना ही चाहिए। दो सुबह ले सकते हो एम्प्टी स्टमक, और दो रात को ले सकते हो बिफोर डिनर, खाने से पहले। अभी जैसे हम इसके बारे में जानते हैं कि ये हिमालयन गोल्ड बोला गया है, तो बहुत बड़ी बात है, किसी यस भी सर, जड़ी बूटी को हिमालयन गोल्ड बोल देना, यस, है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि गोल्ड बहुत ऐसे बड़ी बात फेमस। है। यस और इसके तो बारे में बताते हैं कि पहले बड़े बड़े राजा महाराजा लोग होते थे, वही अफोर्ड और कर सर सकते थे। ये इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है ना, कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता था पहले, और ना ही ये इजीली अवेलेबल थी। तो वही जैसे आप बोल रहे हैं, राजा महाराजे ही अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि उनके आगे बीवियां भी कितनी कितनी होती थी, किसी की जी 100 बीवियां होती थी, किसी की 365 बीवियां, हाँ जी, सारी बीवियों को खुश थैंक यू, रखना, तो बिल्कुल, वो भी, और राजा भी यंग रहता था। उनका राज देखो पता लग गया आज। हाँ, उनका राज आज बहुत पता चल गया कि बढ़िया, अगर आप अपनी जबरदस्त। सेक्स लाइफ इंप्रूव करोगे तो आपके सारे ऑर्गन्स, बॉडी में 12 ऑर्गन्स होते हैं और किसी भी जो, उम्र में इसको यूज कर सकते हैं डॉक्टर साहब, कोई भी यस बच्चे, सर, यस सर, ये तो आपने कोई बहुत भी, एडवांस बात की, आफ्टर मैरिज है उन लोगों के लिए आपने बताई, क्योंकि आफ्टर 35 की तो प्रॉब्लम्स है, उसकी मैरिज है या नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, तो 30-35 के बाद तो ये मस्ट है, मतलब ये संजीवनी बूटी लेनी ही लेनी है, और ये हर एक को त्यांस के अलावा किसी और कंपनी के पास नहीं है, किसी और के देखी है। यस, और त्यांस ने भी 10 साल लगाए इसको इंडिया में लॉन्च करने में, 10 ईयर्स। ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है, इसका जो फॉर्मुलेशन है वो इतना ईजी नहीं है कि बस ले आए और जड़ी बूटी खिला दी लोगों को, तो कंपनियां कोई भी प्रोडक्ट को वैसे नहीं लाती है। अभी हमारा एक और प्रोडक्ट है जो बहुत ही नंबर वन है वर्ल्ड के अंदर, वो है कैल्शियम, त्यांस का कैल्शियम, इस टाइम भी हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं लोगों से, और मैं साल में कम से कम, नहीं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, तो हम लोग 5-7 लाख रुपए का तो हम कैल्शियम बेच देते हैं, वो भी तब जब बड़ी मुश्किल से आता है, रोते रोते हम देते हैं लोगों को, और जिस दिन वो इंडिया में बनना शुरू हो जाएगा, चल रहा है उस पर काम, तो वो बहुत बिकेगा, कैल्शियम की तो जरूरत हर घर को है, ऐसे ही बोन्स के कॉर्डिसेप्स। लिए बहुत जरूरी है, बोन्स के लिए, बोन के लिए सर कैल्शियम बहुत बहुत जरूरी है। जी और दूसरा, जो दूध और दही से कैल्शियम मिलता है, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि 5 व्हाइट पॉइजन जो हमें नहीं लेने चाहिए, उसमें हाँ सबसे पहले तो आ जाता है मैदा,
ओके से बनी हुई, चाहे ब्रेड है, पास्ता, बर्गर है, ब्रेड है, पिज्जा है, नूडल्स है, मैकरोनी है, तो ये सब मैं मना करती हूँ खाने के लिए। और वेरी दूसरा सर, शुगर, व्हाइट शुगर, तो व्हाइट शुगर मैं बोलती हूँ नहीं लेना चाहिए, व्हाइट शुगर कॉजेस कैंसर। तो आप गुड़ ले लो, जैगरी पाउडर ले लो, या अच्छा है विदाउट शुगर ही, आप ठीक है चाय कॉफी इंजॉय करो। और तीसरा है सर व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट के लिए मैं मना करती हूँ, व्हाइट सॉल्ट की जगह मैं बोलती हूँ हिमालयन सेंधा नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट। गुड, ये पांच व्हाइट चीजें नहीं लेनी है। हाँ जी। और नेक्स्ट है सर दूध, दूध कॉजेस कैंसर। ये तो आपने एक डॉक्टर विश्वजीत रॉय करके हैं, वो भी बड़ी एडवोकेसी करते हैं इसके, तो आपने भी वो बात बता दी।